हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टुडे इज माय चैनल स्मार्ट वॉच क्लब। तो फ्रेंड्स, जैसा कि देख सकते हो मेरे पास एक यहाँ पे न्यू प्रोडक्ट है। तो आज करने वाले हैं इस प्रोडक्ट का अनबॉक्सिंग। अनबॉक्सिंग करने से पहले अगर हमारे इस वीडियो पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन वाले बटन को दबाकर उसे ऑल पर सेलेक्ट कर देना ताकि मेरी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और करते हैं इसका अनबॉक्सिंग। तो हम लोग यहाँ पर करते हैं, पहले इसे हम लोग यहाँ पर हटा लेते हैं यहाँ से इसे। चलिए हम लोग यहाँ से इसमें देख सकते हैं, यहाँ पे बॉक्स है। इस बॉक्स को हम लोग यहाँ पे बाहर निकालते हैं। देख सकते हो फ्रेंड्स, बॉक्स बाहर निकालने के बाद हम लोग को यहाँ पे ये मोबाइल स्टिंग, यहाँ पे फ़ैन मिलता है। ये फ़ैन है, S9 रिचार्जेबल फ़ैन है। यहाँ पे देख सकते हो फ्रेंड्स, इस फैन में आप लोग यहाँ पे कितना एमएच के यहाँ पे बैटरी मिल जाती है और क्या क्या मिल जाती है आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। सबसे पहले बात आता है यहाँ पे बैटरी का, तो आप लोग को 1200 mAh की यहाँ पे बैटरी दी गई है। और बैटरी बैकअप कितना होगा फॉर लास्ट 3 आवर, यानी कि 3 घंटे तक ये बैटरी बैकअप आप यहाँ क्लेम करता है कि आप लोग यहाँ पे 3 घंटे तक यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। अब कितना स्पीड में यूज़ कर सकते हो वो आप लोग पे यहाँ पे डिपेंड करता है, चाहे आप लोग हाई स्पीड में यूज़ करो चाहे नॉर्मल स्पीड करो, ये आप पे डिपेंड करता है। उसके बाद यहाँ पे हाई स्पीड ये फैन है एंड यहाँ पे 3 यहाँ पे दिया गया है, 3 आप लोग स्पीड मोड यहाँ पे दिया गया है। पहला है लो, मीडियम एंड हाई यहाँ पे दिया गया है। उसके साथ आप लोग को यहाँ पे देखा जाए 6G सीरीज 3 स्पीड एंड लास्ट 4 3 आवर USB चार्जिंग एंड यहाँ पे सुपर स्ट्रॉन्ग विंड। और पीछे की साइड आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे छोटा सा यहाँ पे पंखा आप लोग का यहाँ पे पिक्चर दिया गया है। एंड यहाँ पर फ्रेंड्स इसके बारे में प्रोडक्ट डिटेल्स के बारे में यहाँ पर दिया गया है। एंड यहाँ पर साइड में हम लोग यहाँ पर देखें तो इसके बारे में यहाँ पर दिया गया है यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इनपुट आप लोग यहाँ पर चार्ज कर सकते हो एंड देन यहाँ पर इसके बारे में इंस्ट्रक्शन लिखा गया है। तो चलिए हम लोग यहाँ पर फ़ैन को निकालते हैं यहाँ पर बाहर। तो जैसे हम लोग यहाँ पर निकालेंगे तो देख सकते हो फ्रेंड्स, इसमें एक यहाँ पे छोटा सा यहाँ पे चार्जिंग केबल दिया है। उसके साथ हम लोग को यहाँ पर ये देख सकते हो फ्रेंड्स, यहाँ पे स्काई ब्लू टाइप का हम लोग को यहाँ पे कलर का यहाँ पे फैन मिला है। एंड यहाँ पर इसमें क्या क्या हम लोग यहाँ पे मिल जाता है उसको यहाँ पे देख सकते हो फ्रेंड्स। यहाँ पर इसे इस टाइप से आप लोग इसमें आप पर जो है रख सकते हो, इस टाइप से आप लोग यहाँ पर रख सकते हो इसे। एंड हम लोग यहाँ पर देखते हैं और क्या मिल जाता है। देख सकते हो फ्रेंड्स, ये यहाँ पर दो दिया हुआ है, इसके मैं आप लोग को यूज़ बता दूंगा कि इसका यूज़ यहाँ पर कहाँ पर होता है, आप लोग वीडियो को देखते रहे। एंड यहाँ पर देख सकते हो फ्रेंड्स, ये बैटरी दिया गया है लिथियम आयन का। इसके ऊपर मेंशन नहीं किया गया कि ये बैटरी कितना एमएच का है यहाँ पर। तो चलिए और हम लोग देखते हैं क्या है, और इसमें यहाँ पर कुछ भी नहीं मिलता। चलिए डब्बे को हम लोग यहाँ पर करते हैं साइड। तो आते हैं फाइनली इस पंखे के ऊपर। यहाँ पे देख सकते हो फ्रेंड्स, इसका बिल्ड क्वालिटी काफ़ी यहाँ पर तगड़ा है, मेड इन चाइना होने के बावजूद भी यहाँ पे देख सकते हो फ्रेंड्स काफ़ी अच्छा ये पंखा है। यहाँ पर फ्रेंड्स देख सकते हो, यहाँ पे छोटा सा यहाँ पे इसके अंदर जो है यहाँ पे ब्लेड दिया गया है, जिसका पंखी देख सकते हो बहुत यहाँ पर अच्छा दिया गया। इसके बिल्ड क्वालिटी भी यहाँ पर काफ़ी तगड़ा है फ्रेंड्स, ये स्ट्रॉन्ग है। एंड इसके पीछे की साइड आप लोग यहाँ पर देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। इसके पीछे की साइड आप लोग को यहाँ पर दिखाएगा इनपुट वोल्टेज यहाँ पर 5 वोल्ट एंड यहाँ पर इनपुट करंट 0.5 एम्पीयर टू 1.1 एम्पीयर आप लोग यहाँ पर करंट दे सकते हैं फ्रेंड्स इसमें अगर आप लोग यहाँ पर चार्ज करते होते हैं। आउटपुट वोल्टेज आप लोग को यहाँ पर प्रोवाइड करता है, 5 से 9 वोल्ट तक आउटपुट वोल्टेज आता है। और आउटपुट पावर 4.5 वाट का है, इसमें यहाँ पर सपोर्ट करता है बैटरी 3.7 वोल्ट का। उसके बाद हम लोग यहाँ पर देख सकते हो फ्रेंड्स, इस यहाँ पर स्टैंड मिल जाता है। एंड आप लोग को यहाँ पर इस साइड में अगर देखा जाता है, यहाँ पर आप लोग को यहाँ पर पावर ऑन ऑफ स्पीड कंट्रोल 3 स्पीड मोड आप लोग इसी एक ही यहाँ पर बटन से आप लोग यहाँ पर कर सकते हैं। इसके साइड आप लोग को यहाँ पर देखने को मिलता है यहाँ पर जो है, यहाँ पर अगर आप लोग पंखे को यहाँ पर ऑन करोगे फैन को तो उस वक्त यहाँ पर ब्लू लाइट यहाँ पर बढ़ेगा एंड यहाँ पर रेड लाइट बढ़ेगा जब आप लोग यहाँ पर चार्जिंग लगाओगे। एंड यहाँ पर साइड में देखा जाए तो फ्रेंड्स, आप लोग यहाँ पर टाइप भी यहाँ पर चार्जिंग केबल मिल जाता है, जिससे कि आप लोग इस बैटरी को यहाँ पर चार्ज कर सको। एंड हम लोग यहाँ पर बैटरी को करते हैं इस फैन में यहाँ पर इंसर्ट। उसके लिए हम लोग यहाँ पर बैक से हम लोग ओपन करते हैं। यहाँ पर आप लोग ध्यान रखना कि इस यहाँ पर लॉकेट किया रहता है, प्लस माइनस आप लोग यहाँ पर देख लो, इस जगह पर प्लस है एंड यहाँ पर माइनस दिया गया। तो हम लोग बैटरी को इंसर्ट करते हैं, ये वाला यहाँ जो रहता है ये माइनस होता है एंड ये वाला यहाँ पर जो है प्लस रहता है। तो हम लोग यहाँ पर लगाते हैं बैटरी को। तो बैटरी लगाने के बाद हम लोग यहाँ पर करते हैं इस कवर को यहाँ पर क्लोज। एंड क्लोज करने के बाद हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर ये मिलता है इसमें, जिसमें कि आप लोग यहाँ पर एंड आप लोग यहाँ पर देखो, मैं इसे यहाँ पर ओपन करता हूँ। यहाँ पर जो ये इसका यूज़ फ्रेंड्स, यहाँ पर आप लोग इसे पीछे की साइड यहाँ पर आप लोग को लगाने दिया है ताकि एक ग्रिप बनाया जा सके, पंखे जल्दी हिले डुले ना और गिले नहीं जल्दी। तो हम लोग यहाँ पर इसे लगाने के लिए हम लोग सिंपल यहाँ पर करना क्या होगा, सिंपल हम लोग इसे यहाँ पर इसे फाड़ लेते हैं यहाँ से, स्टेप से हम लोग को यहाँ पर लगा लेना है। उसके बाद सिंपल आप लोग को इसे यहाँ पर ध्यान से यहाँ पर देख सकते हो फ्रेंड्स, इसमें आप लोग को यहाँ पर चिपका देना है। तो आप लोग यहाँ पर ध्यान से चिपकाना है इसे। एंड यहाँ पर दूसरा वाला भी हम लोग को स्टेप से यहाँ पर जो है इसमें यहाँ पर चिपका देना है। चिपकाने के बाद यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर काफ़ी यहाँ पर ज़्यादा ग्रिप यहाँ पर बन गया है, जिससे कि हमारा जो फैन है यहाँ पर जरा सा भी हिले डुलेगा नहीं, एक जगह पर स्थिर रहेगा। तब बात आता है यहाँ पे फैन को ओपन करने के, मैं आप लोग यहाँ पे फैन का यहाँ पे ओपन करता हूँ। इसके लिए हम लोग यहाँ पे करना क्या है, इसे ऑन करने के लिए सिंपल यहाँ पे बटन दिया गया, इसके ऊपर आप लोग यहाँ पे प्रेस करना है। एक बार यहाँ पे प्रेस करोगे तो यहाँ पर जो फैन ओपन हो जाएगा,
और उसके साथ यहाँ पर देख सकते हो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो ब्लू लाइट है आप लोग को यहाँ पर देखने को मिलेगा, छोटा सा आप लोग को यहाँ पर ब्लू लाइट मिलेगा। ये फैन अभी ऑन है, ये वन स्पीड यहाँ पर चल रहा है यानी कि लो पे चल रहा है, एंड हम लोग सेकंड प्रेस करेंगे तो यहाँ पर मीडियम पे चलेगा। जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो फ्रेंड्स, इस डब्बे के ऊपर दिया गया था 3 मोड, लो, मीडियम एंड हाई। तो ये पहला मोड है एंड ये दूसरा मोड है फ्रेंड्स। यहाँ पर देख सकते हो काफ़ी इसका तगड़ा अच्छा हवा आ रहा है, आप लोग मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ फ्रेंड्स। और तीसरा हम लोग जाते थे, यहाँ पर काफ़ी स्पीड चल रहा है ये फैन, मैं आप लोग को यहाँ पे दिखाता हूँ माइक में आवाज़ जाके इसका फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हो। ये फ्रेंड्स यहाँ पर जो है फैन यहाँ पे ऑफ हो गया है, ये पहला स्पीड हुआ एंड यहाँ पे ये दूसरा स्पीड हुआ। ये फ्रेंड्स काफ़ी अच्छा यहाँ पे फैन है, इसका मतलब बहुत ज़्यादा दूर तक ये हवा यहाँ पर जो है आता है इस फैन से। तो मैं आप लोग को यहाँ पर कुछ सैंपल यहाँ पर लेके दिखाता हूँ, जैसे ये पेपर है तो मैं आप लोग दिखाता हूँ ये पेपर किस टाइप से यहाँ पर उड़ता है। पहले मैं एक प्रेस करूँगा यानी कि यहाँ पर नॉर्मल स्पीड, लो स्पीड पर रखूँगा, तो यहाँ पर लो पे है एंड आप मीडियम पे है एंड आप देख सकते हो फ्रेंड्स ये हाई पे है यहाँ पर। तो पूरी तरीके से यहाँ पर जो ये उड़ने लगता है फ्रेंड्स, आप देख सकते हो थोड़ा सा यहाँ पर रह नहीं रहा इस फैन का। यहाँ पर फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा स्पीड है इस फैन का, और फ्रेंड्स जैसे आप लोग यहाँ पर फैन को ऑन किए तो आप लोग को स्टेप्स यहाँ पर इसमें यहाँ पर लगा देना है। लगाने के साथ आप लोग यहाँ पर जो है मोबाइल भी यहाँ पर रख सके, आप लोग मोबाइल भी देख सकते हो जैसा कि हम बॉक्स में यहाँ पर दिया गया है। मोबाइल स्टैंड भी आप लोग को इसके साथ में यहाँ पर मिल जाता है, जैसे कि यहाँ पर आप लोग यहाँ पर दिया गया है, आप लोग स्टेप्स यहाँ पर मोबाइल भी रख सकते हो या तो फैन को भी आप लोग स्टेप्स लगा कर यहाँ पर मोबाइल रख के बड़े आराम से यहाँ पर मोबाइल देख सकते हो, और उसके साथ यहाँ पर हवा भी खा सकते हो। और इसके साथ आप लोग यहाँ पर छोटा सा मिलता है टाइप बी केबल, जिससे कि आप लोग यहाँ पर जो है इस फैन को यहाँ पर रिचार्ज कर सको। ये रिचार्ज कम से कम आप लोग का 2 आवर लेता है रिचार्ज होने में ये फैन। तो अगली वीडियो में जानेंगे कि इस फैन का हम लोग यहाँ पे कितना बैटरी बैकअप मिल जाता है और किस तरीके से यहाँ पर ये जो है यहाँ पे फैन यहाँ पे वर्क करता है, कितना पे हम लोग इस फैन को यहाँ पर अच्छे से यहाँ पे यूज़ कर सकेंगे और बैटरी बैकअप ये कितना देर देता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब एंड सेव विद योर फ्रेंड्स।